आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर बीएससी मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए पिछले साल का प्रश्न पत्र ही लिया गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पेपर का शीर्षक है नाटक और संचार माध्यम, टाइम है 2.5 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 60, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न आपको उत्तर लिखने हैं और एक एक अंक के 10 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हुआ 10 अंक का। तो आप प्रश्न भी देख रहे हैं, उत्तर भी देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, गोरस पीने की जिद कौन कर रहा था? उत्तर है अश्वत्थामा। तो केवल एक ही शब्द यहाँ पर आपको लिखना है। महीने की पहली तारीख को अरविंद की बहन किसका इंतजार करती थी? उत्तर है मनी ऑर्डर। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर है शंकर शेष। चौथा प्रश्न है, भिखमंगे का लड़का किसका बेटा कहलाता था? उत्तर है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को ढोंगी और पाखंडी किसने कहा? उत्तर है द्रुपद। द्रोणाचार्य का शिष्य कौन बनना चाहता था? उत्तर है एकलव्य। बड़ा धनुर्धर बनने का आशीर्वाद द्रोणाचार्य ने किसको दिया? उत्तर है अर्जुन। हजारों रुपयों के गबन का आरोप किस पर लगाया गया? अरविंद। पांडव राजधानी छोड़कर कहाँ चले गए? वन। मुकदमे का चश्मदीद गवाह कौन है? चंदू। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह वीडियो ऐसे तो आप सभी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन आज विशेष रूप से बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एक स्टूडेंट जुनैद का नाम लूंगी यहाँ, क्योंकि जुनैद को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को लेकर मॉडल क्वेश्चन पेपर बना दिया जाए। और मैं इस छात्र का उदाहरण इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जुनैद ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जुनैद अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छी तरह से प्लान करते हैं, आने वाले चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। यह वीडियो जुनैद को डेडिकेटेड है क्योंकि वे अपना मोटिवेशन इसी तरह बनाए रखें और दूसरे छात्र भी उनसे मोटिवेट होते रहें। अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्लान करना चाहिए और उससे भी पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके हमें क्या मिलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई दो 2×7 14 मार्क्स के लिए 2 प्रश्न करना है, 3 में से कोई दो। तो यहाँ आप देख रहे हैं वाक्य दिए गए हैं, एक और द्रोणाचार्य नामक नाटक में से, जो आपके पाठ्यक्रम का नाटक है। तो यहाँ आपको समझाने के लिए अगर आप दूसरा प्रश्न करते हैं, अब तुम ही बचे हो साले, ईमानदारी और सच्चाई की औलाद, आराम से रहना किस्मत में बदा हो तब ना। तो अगर आप दूसरा वाक्य ले रहे हैं ससंदर्भ वाक्य के लिए, तो स्पष्ट नंबर मार्जिन में 2 लिखेंगे और उसका संकेत लिखेंगे कि देख रहे हैं आप संकेत कैसे लिखना है। शुरू के 2 शब्द, बीच में खाली जगह और अंतिम 2 या 1 शब्द आप लिखेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाता है आप 3 में से कौन सा प्रश्न पहले कर रहे हैं। प्रसंग है पाठ्यक्रम के नाटक एक और द्रोणाचार्य से यह पंक्तियां दी गई है, इसके लेखक शंकर शेष हैं। संदर्भ है यह वाक्य यदु अपने मित्र अरविंद से कहता है। संदर्भ में लिखते हैं कि यह वाक्य, दिया गया वाक्य कौन किससे कह रहा है। व्याख्या है कि अरविंद अनुशासन प्रिय व्यक्ति है, अगर कोई गलत काम देखता है तो उसे अनदेखा नहीं कर पाता है। इसी प्रकार परीक्षा में राजकुमार को नकल करते देखता है तो उसे रोकता है और उसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजना चाहता है, लेकिन उस पर कॉलेज के प्रेसिडेंट, परिवार, सहकर्मियों का दबाव पड़ने लगता है क्योंकि राजकुमार कॉलेज के मालिक का बेटा है। इसलिए अन्य सभी लेक्चरर 3 वर्षों से उसे नकल करने दे रहे थे, लेकिन अरविंद चुप नहीं रहा। तो उसका मित्र समझाने के लिए यह कहता है कि ईमानदारी तुम्हें सुख से नहीं रहने देगी, अन्य लोगों की तरह तुम भी आंख बंद करके रहो। और विशेषता है
जैसा कि नाटक में शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को दिखाया गया है कि अगर एक व्यक्ति ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता है तो भ्रष्ट तंत्र की ज्यादतियां उसे परेशान कर देती हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि आपको प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखना है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी एक का उत्तर लिखिए, दो में से कोई एक प्रश्न करना है जो है 16 मार्क्स के लिए। पहला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और दूसरा है, तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य, इस कथन की पुष्टि करते हुए नाटक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो अगर आप दो में से दूसरा प्रश्न कर रहे हैं तो मार्जिन में दो लिखेंगे और शीर्षक लिखेंगे, तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य, कथन की पुष्टि। उसके बाद लेखक का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे और अगला बिंदु होगा सार्थकता, क्योंकि इसमें नाटक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए पूरे नाटक से ऐसे घटनाक्रम लिखने होंगे जहां अरविंद और द्रोणाचार्य को एक ही स्थिति का सामना करना पड़ा हो। कृपि और लीला के द्वारा द्रोणाचार्य और अरविंद को दबाव सहना पड़ता है, सच्चाई के आगे दोनों को झुकना पड़ता है, राजकुमार के गलत कार्य के आगे अरविंद झुक जाता है और द्रोणाचार्य कौरवों के लिए अन्याय के आगे चुप रह जाता है। अरविंद शासन व्यवस्था के विरोध में नहीं जा पाता, वैसे ही द्रोणाचार्य एकलव्य को शिक्षा नहीं देता। द्रौपदी और अनुराधा का उदाहरण दिया जा सकता है, चंदू और एकलव्य का उदाहरण भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे विशेषता, जो इस प्रकार होगी, व्यवस्था और कोणों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य इतिहास की धार में लकड़ी के फूट की तरह बहता हुआ है। वर्तमान की कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य है। व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य है, जबकि वह इतना महान व्यक्ति है, शक्तिशाली बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन व्यवस्था के आगे लाचार है, मजबूर है। यही इस नाटक की विशेषता है। तो इस प्रकार आपने देखा तीसरे प्रश्नों का उत्तर भी कैसे लिखा जाएगा। मुझे आशा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आप पहले प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर इस प्रश्न को, इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जो आपको जरूर ही समझने में सहायता करेगी। चलिए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। टिप्पणी देखिए, कोई एक, दो ऑप्शन है, दो में से एक पर टिप्पणी लिखना है जो है 5 अंक के लिए। तो चौथा प्रश्न हुआ 5 अंक के लिए, अरविंद और अनुराधा। अगर आप अरविंद पर टिप्पणी लिख रहे हैं तो मार्जिन में एक नंबर डालेंगे, क्योंकि वह एक नंबर पर प्रश्न में है। अरविंद साइड हेडिंग होंगी और यह शीर्षक पाठ्यक्रम के नाटक एक और द्रोणाचार्य से लिया गया है। इसके लेखक शंकर शेष हैं, यह नाटक का विशेष पात्र है, कहानी इसके चारों तरफ घूमती रहती है। तो यह हो गया शीर्षक का परिचय। और उसके बाद ऐसे तो अरविंद के विषय में लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि 5 अंक के लिए ही लिखना है, अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 अंक के लिए विशेष बातों को इस प्रकार लिखा जाएगा कि अरविंद एक ऐसे कॉलेज में पढ़ाता है जिसका मालिक पढ़ा लिखा नहीं है और वही कॉलेज का प्रेसिडेंट है। सभी कर्मचारी उसके भ्रष्टाचार को चुपचाप देखते रहते हैं, लेकिन अरविंद यह नहीं कर पाता। वह प्रेसिडेंट के बेटे को नकल करते पकड़कर रिपोर्ट कर देता है। चंदू जैसे ईमानदार छात्र को सहायता करना चाहता है, लेकिन उसे प्रिंसिपल के दबाव में आकर चुप रहना पड़ता है। इसी तरह वह अनुराधा की सहायता भी नहीं कर पाता। इस नाटक का मुख्य चरित्र होकर भी वह कमजोर है, अपने निर्णयों पर खड़ा नहीं हो पाता है, बार बार इरादा बदलता है, वही करता है जो नहीं करना चाहता है। यह मध्यम वर्गीय समाज का एक चेहरा है अरविंद। तो हमने यहाँ पर अरविंद के कैरेक्टर के बारे में लिखा है कि वह किस प्रकार का व्यक्तित्व का मालिक है। तो यहाँ पर यह हो जाती है टिप्पणी, चौथा प्रश्न पूरा होता है। और 1 से लेकर 4 तक जितने प्रश्न होंगे जो 45 मार्क्स के लिए हैं, वह आपको पाठ्य पुस्तक से आएंगे, नाटक से आएंगे, एक और द्रोणाचार्य से आएंगे। और इसके बाद के जो प्रश्न हैं 15 मार्क्स के, वह प्रयोजन मूलक हिंदी से आते हैं। और 5वां प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए,
3 × 5 = 15। तीसरा प्रश्न है 15 अंक का, जिसमें 3 प्रश्न है 5-5 अंक के। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्तर किस प्रकार लिखा जाएगा। संचार माध्यम का अर्थ और स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो यहाँ स्क्रीन पर किस प्रकार से उत्तर लिखना है आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न है मोबाइल के लाभ और हानि का वर्णन कीजिए। यह आप देख रहे हैं मोबाइल के लाभ और हानि का वर्णन। तीसरा प्रश्न है सिनेमा का युवा पीढ़ी पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है रेडियो के महत्व का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसे उत्तर कैसे उत्तर लिखा जाएगा 5 अंक के लिए। मुझे आशा है, आशा ही नहीं विश्वास है कि यह वीडियो आपको प्रश्न पत्र को समझने, उत्तर को कैसे लिखेंगे यह समझने में जरूर सहायता करेगी। परीक्षा के लिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शुभकामनाओं के साथ विदा।